नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले कैबिनेट विस्तार को लेकर कई तरह के तंज विपक्षी दलों की ओर से कसे जा रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी काफ़ी रोचक सामने आ रही हैं। इस फेरबदल को लेकर लोग सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी सरकार की चुटकी ले रहे हैं। कुछ यूजर मोदी सरकार को सलाह देते दिख रहे हैं तो वहीं कुछ लोग मजे लेते हुए दिख रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा कि सुना है कि साहब दाढ़ी के साथ साथ अब अपनी कैबिनेट भी बड़ी कर रहे हैं ताकि रिट्वीट और ट्रोल करने वालों की संख्या बढ़ सके, लेकिन रिक्वेस्ट है कि नए वालों को कम से कम उनके मंत्रालय का नाम जरूर बता दिया जाए। एक और यूजर ने लिखा कि सुनने में आया है कि रिपीट जींस निगरानी मंत्रालय का भी गठन होने जा रहा है। एक और यूजर ने नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए लिखा कि वैसे तो साहब को किसी मंत्री की जरूरत नहीं है, साहब अकेले ही काफ़ी हैं देश को डुबाने के लिए, पर कभी कभी बलि के बकरे की जरूरत पड़ जाती है। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि मंत्रिमंडल बदलने से कुछ बदले या न बदले, पर पीएम बदलने से जरूर कुछ बदल सकता है। मोदी सरकार 2.0 के पहले कैबिनेट विस्तार में 43 मंत्रियों ने शपथ लिया है। मोदी मंत्रिमंडल के इस विस्तार को लेकर सरकार पर विपक्षी दलों समेत आम लोग भी निशाना साध रहे हैं। मोदी सरकार का यह मंत्रिमंडल विस्तार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। देखना यह होगा कि इसका कितना फायदा बीजेपी को उठा पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।